एक गांव में गोपाल अपनी बेटी ज्योति और अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। मालती ज्योति की सौतेली माँ थी और वो बहुत ज्यादा लालची भी थी। गोपाल बहुत ज्यादा अमीर था और इसी वजह से उसने गोपाल से शादी की थी। उसे पता था कि गोपाल की पहली पत्नी की मौत हो गई थी और उसकी एक बेटी भी है। वो गोपाल का सारा रुपया हड़पना चाहती थी, इस वजह से वो हमेशा ज्योति के साथ मारपीट किया करती थी। पर जब ये बात गोपाल को पता लगती थी तो वो अपनी पत्नी मालती पर बहुत चिल्लाता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी पर कोई भी हाथ उठाए। एक दिन की बात है, गोपाल किसी काम से बाहर गया हुआ होता है, तभी उसकी पत्नी मालती अपनी सौतेली बेटी ज्योति से कहती है, अरे ज्योति, अभी तो पूरे घर का काम बाकी है। तुझसे कितनी बार कहा है कि घर का काम कर लिया कर, पर लगता है तेरी समझ में नहीं आता है। माँ, मैंने पूरा काम कर दिया है, अब बस कुछ ही काम बाकी है, आप ही थोड़ा कर लो, वैसे भी मेरे हाथों में दर्द होने लगा है। अच्छा, मैं क्या तुझे नौकरानी दिख रही हूँ जो मैं तेरा काम करूँ? चल जा, पूरे घर का काम करके खा लियो। यदि तुझे खाना नहीं दिया तो तेरा बाप कहेगा कि मैं तुझे खाना नहीं देती हूँ। आप मेरे पिताजी से ऐसे बात मत किया कीजिए, वो मेरे पिता है ना कि बाप। आप उनसे तमीज से बात किया कीजिए, वरना मैं पिताजी से आपकी शिकायत कर दूंगी कि आप उनके पीछे उनकी बहुत बुराई करती हो। अच्छा, अब तेरी कुछ ज्यादा जवान चलने लगी है। आने दे तेरे बाप को, तब उसे भी बताऊंगी और तुझे भी बताऊंगी। मैंने तो बस तेरे बाप से पैसों की खातिर शादी की है, जिससे मैं आराम से अपनी जिंदगी बिता सकूं। तो आप अपनी जिंदगी आराम से बिताइए ना, आप हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद करने आ गई? यदि आपको पैसा ही चाहिए तो आप मेरे पिताजी से भीख मांग लेते, और वैसे भी गरीबों में पैसे लुटाते ही रहते हैं मेरे पिताजी। ये सुनकर मालती को गुस्सा आ जाता है और वो ज्योति के 2-3 थप्पड़ मार देती है, जिससे ज्योति रोने लगती है और मालती वहाँ से चली जाती है। जब शाम को गोपाल आता है तो ज्योति अपने पिता को सारी बात बताती है, तो गोपाल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो मालती को अपने पास बुलाता है और मालती से कहता है, मेरी बेटी क्या कह रही है? क्या तुमने आज मेरी बेटी पर हाथ उठाया था? मैंने तुमको कितनी बार मना किया है कि तुम मेरी बेटी पर हाथ मत उठाया करो, पर लगता है तुम्हें समझ ही नहीं आता। हाँ, मैंने तुम्हारी बेटी पर हाथ उठाया था क्योंकि तुम्हारी बेटी की जवान कुछ ज्यादा ही चल रही थी। मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की थी कि मैं तुम्हारी बेटी की उल्टी सीधी बातें सुन सकूं। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि मैं तुम्हारे रुपयों से मजा ले सकूं। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम कितनी लालची औरत हो और इसलिए तुमने मुझसे शादी की थी, वरना तुम मुझसे शादी नहीं करती। और मैंने भी तुमसे इसलिए शादी की थी कि तुम मेरी बच्ची का ख्याल रखो, पर तुम तो बहुत ही लालची किस्म की औरत निकली, तुम्हें तो सिर्फ पैसों से ही मतलब है। हाँ, जब आपको पता ही है कि मुझे सिर्फ पैसों से ही मतलब है तो फिर क्यों मुझसे बात करते हो? आपसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। और ये कहकर मालती वहाँ से चली जाती है। मालती के जाने के बाद गोपाल अपनी बेटी ज्योति को लेकर अपने कमरे में आ जाता है। गोपाल बहुत ज्यादा परेशान रहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी को कोई भी परेशान करे। उसे नहीं पता था कि मालती इतनी लालची औरत होगी, वो तो सोच रहा था कि वो उसकी बेटी की देखभाल करेगी। वैसे भी ज्योति 15 साल की थी और वो ये चाहता था कि मालती ज्योति को अच्छे संस्कार दे। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और समय के साथ मालती का व्यवहार बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा था। वो कभी भी उन लोगों से अच्छे तरीके से बात नहीं करती थी, इस वजह से गोपाल काफी ज्यादा परेशान रहता था। एक दिन की बात है, ज्योति अपने पिता से कहती है, पिताजी, मेरे कपड़े फट गए हैं, आप मुझे नए कपड़े दिलवा दीजिए। तभी वहाँ पर मालती भी आ जाती है और वो गोपाल से कहती है, मेरी भी कपड़े फट गए हैं, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ शाम को चलना, मैं शाम को तुम दोनों को कपड़े दिलवा दूंगा। नहीं, मुझे अभी कपड़े चाहिए, मैं शाम तक का इंतजार नहीं कर सकती हूँ, वैसे भी शाम को मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं। मैं कुछ समझा नहीं, कौन से दोस्त आने वाले हैं? आखिर तुम्हारे कौन से दोस्त हैं? मुझे तो आज तक नहीं पता। आपको नहीं पता है, पर मेरी कुछ फ्रेंड है जो आज घर पर आने वाली है, और आज मैंने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो आप अपनी बेटी को अपने साथ ही ले जाइए, वरना सारे लोग मुझ पर हंसेंगे। क्यों, क्या तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी एक बेटी भी है? नहीं,
मैंने किसी को भी नहीं बताया है कि मेरी एक बेटी है। वैसे भी ये मेरी कौन सी सगी बेटी है, ये मेरी सौतेली बेटी है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी कोई हंसी उड़ाए, इसलिए आप अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना। ये सुनकर गोपाल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो मालती से कहता है, मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं लेकर जाऊंगा और ना ही मैं अब जा रहा हूँ। देखता हूँ तुम कैसे अपनी फ्रेंडों के साथ पार्टी मनाती हो, तुम्हारा आजकल कुछ ज्यादा ही दिमाग चल रहा है। और ये कहकर गोपाल अपनी बेटी के साथ कमरे में वापस चला जाता है। ये देखकर मालती को काफी गुस्सा आता है और वो अपने फ्रेंड को फोन करके घर पर आने के लिए मना कर देती है और खुद तैयार होकर बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद जब गोपाल कमरे से बाहर निकलता है तो उसे मालती कहीं भी दिखाई नहीं देती है और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और जब शाम को मालती घर पर आती है तो गोपाल मालती से कहता है, तुम कहाँ चली गई थी, कम से कम बता कर तो जा सकती थी ना। क्यों बता कर जाऊँ जब आपको मेरी कुछ चिंता ही नहीं है। आपसे कहा था ना कि आज पार्टी है, फिर भी आप यहीं पर रह गए, साथ में अपनी मनुष्य बेटी को भी घर पर रख लिया, इसलिए मैंने पार्टी बाहर मनाई। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? क्यों, क्या मैं आपको गरीब दिखती हूँ? वैसे भी जो आपका है वो मेरा है, आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ और इतना तो हक है ही मेरा कि मैं आपकी अलमारी से पैसे निकाल सकूँ। ये सुनकर गोपाल समझ जाता है कि मालती अब कुछ ज्यादा ही लालची होती जा रही है और वो अपनी अलमारी में ताला लगा देता है और चाबी को अपने तकिए के नीचे छुपा देता है, जिससे मालती को पता नहीं लगता। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और अब मालती बहुत ज्यादा परेशान रहती थी क्योंकि वो अलमारी से रुपए नहीं निकाल पा रही थी। उसने हर जगह चाबी को ढूंढ लिया था पर उसे चाबी कहीं भी नहीं दिखी। इस वजह से मालती बहुत ज्यादा गुस्से में रहती थी और वो हमेशा ज्योति को उल्टा सीधा कहती रहती थी। और एक दिन की बात है, मालती अपने कमरे में बैठी हुई होती है तभी वो अपने आप से कहती है, अब मुझे इस घर से भाग जाना चाहिए, मैं यहाँ पर सौतेली माँ बनकर नहीं रह सकती हूँ। वैसे भी यदि मुझे रुपए मिल जाएंगे तो मैं कहीं भी जाकर अपनी जिंदगी आराम से बिताऊंगी, बस एक बार मुझे अलमारी की चाबी मिल जाए। और ये कहकर वो गोपाल के कमरे में गई और चाबी को ढूंढने लगी। काफी ढूंढने पर उसे तकिए के नीचे चाबी मिल गई और उसने अलमारी से रुपए निकाले और रुपए लेकर घर से भाग गई। जब ज्योति ने अपनी सौतेली माँ मालती को पूरे घर में ढूंढा तो वो उसे कहीं भी नहीं दिखी और उसने अपने पिताजी को फोन करके घर पर बुला लिया। जब गोपाल घर पर आया तो ज्योति ने गोपाल से कहा, पिताजी माँ घर पर नहीं है, पता नहीं वो कहाँ चली गई है, मैंने उन्हें पूरे घर में ढूंढ लिया है। ये सुनकर जब गोपाल ने मालती को फोन लगाया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। गोपाल ने अपने कमरे में आकर देखा तो उसकी अलमारी खुली हुई थी और उसकी अलमारी से रुपए गायब थे और वह समझ गया कि मालती रुपए लेकर भाग गई है। और उसने अपनी बेटी ज्योति से कहा, बेटा अब तुम्हारी माँ नहीं आएगी क्योंकि वो एक लालची औरत थी जो रुपयों को लेकर भाग गई है। और सही भी हुआ क्योंकि मैं उसे खुद तलाक देने वाला था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाए। ये सुनकर ज्योति काफी दुखी होती है और वो अपने पिताजी से कहती है, क्या अब माँ कभी भी लौट कर नहीं आएंगी? नहीं बेटा, अब वो कभी भी लौट कर नहीं आएगी क्योंकि वो एक लालची और सौतेली माँ थी। वो हमेशा तुम पर अत्याचार करती रहती थी और अच्छा हुआ जो वो चली गई। और ये कहकर वो अपनी बेटी को समझा देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और अब समय के साथ ज्योति ने पूरे घर को संभाल लिया था और अब ज्योति और उसके पिता गोपाल खुश होकर रह रहे थे और अब वो दोनों मालती को भूल चुके थे। एक बार की बात है, किसी गांव में सिंड्रेला नाम की लड़की अपनी माँ रामवती के साथ रहती थी। सिंड्रेला का जीवन दुखों से भरा हुआ था क्योंकि वो अभी केवल 15 वर्ष की थी और 15 साल में ही उसने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा रखी थी। क्योंकि रामवती बहुत बीमार रहती थी, वो हर वक्त बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उसको एक बहुत खतरनाक बीमारी थी, उसके इलाज के लिए उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। इन्हीं सब कारणों से सिंड्रेला बहुत परेशान भी रहा करती थी।
एक दिन सिंड्रेला अपनी माँ से कहती है, माँ आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कहीं से भी पैसे लाकर आपका इलाज करवाऊंगी, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। बेटी मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो तू मेरी बेटी है, इतनी सी उम्र में तूने सब कुछ संभाल लिया, लेकिन तू मेरी तबीयत की चिंता मत कर बेटी, मेरी तो वैसे भी उम्र हो गई है, तू अपने भविष्य की चिंता कर। आपके बिना मेरा भविष्य कुछ भी नहीं है माँ, अभी मेरे लिए सबसे जरूरी आपका ठीक होना है। अच्छा मैं चलती हूँ, कल तो मुझे किसी ने कोई काम नहीं दिया, शायद मुझे आज कुछ काम मिल जाए। ऐसा कहकर सिंड्रेला घर से बाहर निकल जाती है। सिंड्रेला कोई स्थिर नौकरी नहीं करती थी, वो कहीं भी छोटा मोटा काम करके कुछ पैसे ले लिया करती थी। उसे काम की तलाश में सिंड्रेला आज भी निकली थी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन आज किसी ने मुझे कोई काम नहीं दिया, लगता है आज भी माँ की दवाइयों का जुगाड़ नहीं हो पाएगा। उदास मन से सिंड्रेला वापस घर लौट जाती है। सिंड्रेला फिर से अगले दिन काम की तलाश में निकलती है। सबसे पहले वो एक ढाबे पर जाती है और ढाबे के मालिक से कहती है, मालिक आज भी मेरे लिए कोई काम नहीं है क्या? नहीं आज कोई काम नहीं है, कभी और आना। मालिक कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए ना, मेरी माँ बीमार है, उसके लिए दवाई लेकर जाना है। देख लड़की आज तो मेरे पास सच में कोई काम नहीं है, तू एक काम कर, मेरे ढाबे से अपने और अपनी माँ के लिए खाना ले जा। ढाबे का मालिक सिंड्रेला को उसके और उसकी माँ के लिए कुछ खाना दे देता है, जिसे लेकर सिंड्रेला दूसरी जगह जाती है, लेकिन उसे वहाँ भी काम नहीं मिलता। आज फिर से सिंड्रेला का पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। उदास मन से वो वापस घर आने लगती है। तभी वो एक मंदिर के सामने से गुजरती है, जहाँ पर कुछ लोग बहुत भूखे बैठे थे और लोगों से खाना मांग रहे थे, परंतु कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। ये सब देखकर सिंड्रेला उनके पास जाती है और ढाबे के मालिक ने जो उसे खाना दिया था वो खाना उन गरीब लोगों को खिला देती है। उनमें से एक गरीब औरत कहती है, सदा खुश रहो बेटी, तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख ना आए। उस औरत की बात सुनकर सिंड्रेला मन ही मन सोचती है, आपका ये आशीर्वाद किसी काम का नहीं है काकी, मेरे जीवन में इतना दुख है कि मैं अपनी माँ का इलाज भी नहीं करवा सकती। इतना सोचते सोचते सिंड्रेला मंदिर के अंदर चली जाती है और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान अब आपसे ही मेरी अंतिम उम्मीद है, अब आप मेरी मदद कर सकते हैं, प्लीज भगवान मेरी मदद कीजिए। सिंड्रेला के इतना कहते ही वहाँ देवी माँ प्रकट होती है और कहती है, तुम्हारे जीवन में सच में बहुत दुख है बेटी, तुम मुझसे कोई भी दो इच्छा मांग सकती हो। सिंड्रेला बच्ची थी, उसमें उतना दिमाग नहीं था, थोड़ा सोचने के बाद वो कहती है, मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए और दूसरी इच्छा मैं ये मांगती हूँ कि मंदिर के बाहर जितने भी गरीब हैं उनके जीवन से भी गरीबी चली जाए। तथा अस्तु। इतना कहकर देवी माँ गायब हो जाती है और सिंड्रेला के सामने बहुत सारे पैसे प्रकट हो जाते हैं। पैसे देखकर सिंड्रेला बहुत खुश होती है और उन्हें लेकर खुशी खुशी घर जाने लगती है। इन पैसों से मैं अपनी माँ का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाऊंगी। ऐसा सोचते सोचते सिंड्रेला जब घर पहुँचती है तो वो देखती है उसके घर के आगे बहुत भीड़ जमा है। जब वो भीड़ से गुजरते हुए अपने घर में जाती है तो देखती है उसकी माँ मर चुकी है। ये देखकर सिंड्रेला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी सारी खुशी पल भर में बहुत बड़े दुख में बदल जाती है। सिंड्रेला गुस्से में सारा धन दौलत जो भी उसे देवी माँ ने दिया था सब चला देती है। क्यों दिया था आपने मुझे इतना पैसा जब आपको मेरी माँ को मुझसे छीन लेना था? माँ के अलावा मेरे इस दुनिया में और कोई नहीं है, अब मैं किसके साथ रहूँगी? सिंड्रेला अपनी माँ की मृत्यु से बहुत दुखी होती है। माँ के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। सिंड्रेला अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती है और अकेली ही अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। एक दिन कोई उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। कौन है? तभी बाहर से एक आदमी की आवाज आती है, मैं हूँ इस घर का मालिक।
सिंड्रेला तुरंत दरवाजा खोलती है और कहती है, मैं घर का किराया लेने आया हूँ। तूने पिछले 6 महीने से घर का किराया नहीं दिया है। मालिक, आपको तो पता है पिछले दिनों हमारी हालत कितनी खराब थी, और अभी अभी माँ की मृत्यु हुई है और मेरे पास 1 भी रुपए नहीं है। आप मुझे कुछ दिन का समय और दे दीजिए। अगर तू मेरी बात मानेगी तो मैं तुझसे कभी किराया नहीं मांगूंगा। बता, मानेगी मेरी बात? सिंड्रेला को उसके मकान मालिक के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो उसके गंदे इरादे समझ चुकी थी। देखिए, आप यहाँ से चले जाइए, मैं कुछ ही दिनों में आपका सारा किराया दे दूंगी। लेकिन मकान मालिक सिंड्रेला की बात नहीं मानता। वो जबरदस्ती घर के अंदर घुसने लगता है और छोटी सी बच्ची सिंड्रेला के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी सिंड्रेला एक डंडे से मकान मालिक के सर पर मार देती है और वो बेहोश हो जाता है। डर के मारे सिंड्रेला वहाँ से भाग जाती है। रात का समय हो रहा था। सिंड्रेला अपने आस पड़ोस के लोगों से मदद मांगने लगती है। काकी, दरवाजा खोलो, मुझे बचा लो काकी। अरे कौन है इतनी रात को? मैं सिंड्रेला हूँ काकी, मुझे बचा लीजिए। चली जा यहाँ से, हम नहीं खोल रहे तेरे लिए दरवाजा। पता नहीं रात को परेशान करने क्यों आ जाती है। इसी तरह सिंड्रेला कई लोगों के दरवाजे खटखटाती है, परंतु कोई उसकी मदद नहीं करता। सिंड्रेला अंत में एक मंदिर में चली जाती है और वहीं किसी तरह अपनी रात गुजारती है। और अगले दिन इधर उधर भटकने लगती है। अब तो सिंड्रेला के पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी और उसे बहुत भूख भी लगी थी। कुल मिलाकर सिंड्रेला बहुत बुरी हालत में थी। इसी तरह 3 दिन बीत गए। ये 3 दिन सिंड्रेला ने सड़कों पर बिना कुछ खाए पिए बिता दिए। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या करूं? कहां जाऊं? सिंड्रेला भटकते भटकते एक सुनसान जंगल में पहुंच जाती है। इस जंगल में मुझे खाने के लिए कुछ तो जरूर मिल जाएगा। खाने की तलाश में सिंड्रेला जंगल के काफी अंदर चली जाती है। भूख के मारे अब उसे चला नहीं जा रहा था, वो वहीं बैठ जाती है। तभी एक बिच्छू रेंगता हुआ आता है और उसको काट लेता है। बिच्छू के काटने से सिंड्रेला बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर सिंड्रेला की माँ की आत्मा प्रकट होती है और वो अपनी बेटी की इतनी बुरी हालत देखकर बहुत दुखी होती है। मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची की क्या हालत हो गई? मेरी बच्ची ने इतनी सी उम्र में कितने दुख देख लिए, लेकिन फिर भी कभी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन मैं यहाँ अपनी बेटी की मदद करने आई हूँ। आज के बाद मेरी बेटी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इतना कहकर सिंड्रेला की माँ की आत्मा सिंड्रेला को होश में लाती है। होश में आने के बाद सिंड्रेला कहती है, माँ आप यहाँ कैसे? माँ मुझे आपकी बहुत याद आती है, अब आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना माँ। बेटी, मैं तुम्हारी माँ की आत्मा हूँ, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं गया। बेटी, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला की माँ की आत्मा वहाँ पर एक जादुई लहंगा प्रकट करती है और कहती है, बेटी ये लहंगा तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। तुम इससे दुनिया की कोई भी चीज मांगोगी, ये तुम्हें देगा। इतना कहकर वो आत्मा गायब हो जाती है। सिंड्रेला लहंगा देखकर बहुत खुश होती है और लहंगे से कहती है, लहंगा सबसे पहले मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। सिंड्रेला के इतना कहते ही उसके सामने बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो गए। सिंड्रेला ने फटाफट वो सारा खाना खा लिया। फिर जादुई लहंगे से कहा, जादुई लहंगा तुम बहुत अच्छे हो, अब तुम मुझे और अपने आप को किसी ऐसी जगह ले चलो जहां हमें कोई परेशान ना करे। लहंगा सिंड्रेला को लेकर ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां सिंड्रेला को कोई नहीं जानता था। जादुई लहंगे की मदद से सिंड्रेला वहां पर एक घर बनवाती है और अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से करती है। वो अपना एडमिशन स्कूल में करवाती है और फ्यूचर सुधारने में लग जाती है। और साथ ही साथ वो जादुई लहंगे की मदद से लोगों की मदद करना बिल्कुल नहीं भूलती। और इसी तरह सिंड्रेला अपने जादुई लहंगे के साथ अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है। मीरा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। वो पढ़ लिख कर अपने माँ बाबा का नाम रोशन करना चाहती थी। मीरा के पिता जयप्रकाश जमींदार के खेतों में काम किया करते थे और उन्हीं से उनके घर का गुजारा चलता था।
एक बार मीना के पिता जयप्रकाश खेतों में काम कर रहे थे, तभी अचानक एक जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पिता के गुजर जाने के बाद मीरा और उसकी माँ सरिता के ऊपर मानो गमों का पहाड़ ही टूट पड़ा। माँ, मामा हमें छोड़कर चले गए, अब हम उनके बिना कैसे जिएंगे? बेटी रो मत, हम उनके यादों के सहारे जी लेंगे। बस तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए सरिता ने रोते हुए मीरा को गले से लगा लिया। धीरे धीरे घर का राशन खत्म होने लगा और उनके घर की हालत बिगड़ने लगी। मीरा की माँ सरिता ने घर की बिगड़ती परिस्थिति देख गांव में ही एक सेठानी कल्याणी के यहाँ साफ सफाई का काम करने लगी। वहीं मीरा मन लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन अचानक सरिता का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वो बीमार रहने लगी। सरिता बड़ी मुश्किल से काम पर जाने के लिए तैयार हुई। भगवान जी मुझे हिम्मत दो, मुझे अपनी बेटी के लिए खड़ा होना है। अगर मैं बिस्तर में पड़ गई तो घर का खर्चा कैसे चलेगा और मैं अपनी बेटी को कैसे पढ़ाऊंगी? अपनी माँ की बिगड़ती हालत देखकर मीरा बोली, माँ आप आराम कीजिए, आपको काम पर जाने की जरूरत नहीं, आपके बदले मैं काम पर जाया करूँगी। बेटी तुम काम करने कैसे जाओगी? तुम्हें सुबह सवेरे स्कूल भी तो जाना होता है। उसकी चिंता आप मत करो माँ, मैं सुबह जल्दी उठकर सेठानी के घर का सारा काम खत्म करके वहीं से सीधे स्कूल चली जाऊंगी, बस आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर मीरा सेठानी के घर काम करने चली गई। वहाँ पहुँचने के बाद मीरा को देख सेठानी कल्याणी ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? जी मैं मीरा हूँ, मेरी माँ सरिता आपके यहाँ काम करने आती है ना, अब से मैं अपनी माँ की जगह यहाँ पर काम करूँगी क्योंकि मेरी माँ बीमार है। अच्छा तो तुम सरिता की बेटी हो, सारा काम अच्छे से करना, मुझे साफ सफाई बहुत ही ज्यादा पसंद है, समझ आ गई मेरी बात? सेठानी कल्याणी मीरा को ये सब बोल ही रही थी कि तभी कल्याणी की बेटी जानवी वहाँ आई और मीरा को देखकर हैरानी से बोली, मॉम ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? बेटी ये कामवाली की बेटी है, इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए अब से ये हमारे घर पर काम करेगी। तो मीरा को जानती हो क्या? हाँ मॉम, ये मेरी ही क्लास में पढ़ती है और पढ़ाई में बहुत होशियार है, क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है, टीचर भी इसकी बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें मीरा से कुछ सीखना चाहिए, देखो पढ़ाई के साथ साथ कितनी मेहनती भी है। अपनी माँ की ये बात सुन जानवी गुस्से से अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी ओर मीरा घर की साफ सफाई में जुट गई। काम खत्म कर मीरा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए जब स्कूल पहुंची, कक्षा में पहुंचते ही जानवी अपनी सहेलियों के साथ मीरा का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे देखो देखो काम वाली आ रही है। सुनो मीरा, मेरे डेस्क पर बहुत गंदगी जमी है, जरा यहाँ आकर साफ कर देना, मॉम से कहकर मैं तुम्हें इसके भी पैसे दिला दूंगी। जानवी की बात सुनकर क्लास में मौजूद सभी लड़कियाँ मीरा पर हंसने लगी। मीरा उन सब बातों को अनसुना कर जैसे ही अपने डेस्क पर बैठने लगी तभी जानवी बोली, अरे रुक, तू हमारे बराबर नहीं बैठ सकती, तेरी औकात जमीन पर बैठने की है, समझी झाड़ू पोछा वाली, चल जमीन पर बैठ। ये ज्ञान का मंदिर है जहाँ अमीर गरीब छूत अछूत सभी को एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाती है। चल चल हमें मत सिखा ज्ञान की बातें, हम तुझे अपने साथ नहीं बैठने देंगे, समझी। जानवी और कक्षा की सभी अमीर लड़कियाँ मीरा को अपने साथ डेस्क पर बैठने नहीं देती। दुखी होकर मीरा जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फाइनल परीक्षा शुरू होने में एक महीना बाकी था। मीरा काम करने के साथ साथ परीक्षा की तैयारी रात भर जागकर खूब मेहनत और लगन से करने लगी। वहीं दूसरी ओर कल्याणी ने जानवी से कहा, बेटा तुम्हारे फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं, अगर तुम भी इस बार मीरा की तरह अच्छे नंबरों से पास हुई तो मैं तुम्हें आईफोन खरीद कर दूंगी। माँ की बात सुन जानवी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन मन ही मन मीरा का नाम सुनते ही जल उठी। इस मीरा के रहते मैं क्लास में कभी फर्स्ट नहीं आ सकती, अब टीचर के साथ साथ मॉम भी उस नौकरानी की तारीफ करने लगी, उसका कुछ करना पड़ेगा, देखती हूँ इस बार कैसे क्लास में फर्स्ट आती है।
अगले दिन जब मीरा काम खत्म कर स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में जानवी ने अपनी कुछ सहेलियों के साथ मिलकर मीरा का रास्ता रोका। तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? जाने दो मुझे, स्कूल जाने में मुझे देरी हो रही है। अरे तू तो स्कूल जाकर क्या करेगी? तेरे हाथों में झाड़ू पोछा ही अच्छा लगता है, किताबें नहीं। ये कहते हुए जानवी ने मीरा का स्कूल बैग छीनकर नदी में फेंक दिया। ये देख मीरा रोते हुए बोली, अरे ये क्या किया तुमने जानवी? अब मैं पढ़ाई कैसे करूँगी? फाइनल परीक्षा भी शुरू होने वाले है, तुम्हें पढ़ाई करनी है ना? जा नदी में जाकर अपना स्कूल बैग ले आ। बेचारी मीरा नदी में कूद गई, लेकिन उसे अपना स्कूल बैग कहीं नहीं मिला। ये देख जानवी अपनी सहेलियों के साथ मीरा पर हंसते हुए वहाँ से चली गई। वहीं मीरा रोते हुए नदी से बाहर आई और नदी किनारे बैठकर रोने लगी। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं नई किताबें और नया स्कूल बैग खरीद सकूं। अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? मेरा ये साल बर्बाद हो जाएगा। ये कहते हुए मीरा फूट फूट कर रोने लगी। तभी आसमान से सिंड्रेला परी गुजर रही थी। मीरा को रोते हुए देख सिंड्रेला परी बोली, अरे ये लड़की इस तरह रो क्यों रही है? मुझे चलकर पूछना चाहिए। ये कहते हुए सिंड्रेला परी मीरा के पास गई और उसके रोने का कारण पूछा। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ बताओ मुझे, शायद तुम्हारी मैं कोई मदद कर सकूं। सिंड्रेला परी के पूछने पर मीरा रोते हुए सारी बात बताते हुए बोली, परी जी बिना किताबों के अब मैं स्कूल पढ़ने कैसे जाऊंगी? फाइनल एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ये साल बर्बाद नहीं होने दूंगी, चलो मेरे साथ। इससे पहले कि मीरा कुछ समझ पाती, सिंड्रेला परी उसे बादलों की दुनिया में ले गई। मीरा हैरानी से जहाँ वहाँ देखने लगी। तुम इतनी हैरान मत हो, ये हमारी दुनिया है। आओ तुम्हें मैं परीलोक के टीचरों से मिलवाती हूँ, वो सभी तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी मदद करेगी। ये कहते हुए सिंड्रेला ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही मीरा बादलों के बीचों बीच बनी परियों की क्लास में पहुँच गई। क्लास में ढेर सारी किताबें भी थी। ये देख मीरा खुशी से उछल पड़ी। इस तरह सभी परियां मिलकर मीरा को पढ़ाने लगी। फिर कुछ ही दिनों में फाइनल एग्जाम का दिन भी नजदीक आ गया। मीरा ने इस बार भी अच्छे नंबरों से पास होकर क्लास में फर्स्ट आई। ये देखकर जानवी को बड़ी हैरानी हुई और वो बोली, अरे मीरा बिना किताबों के तुम इतने अच्छे नंबरों से कैसे पास हो गई भला? क्योंकि मैं परियों की क्लास में पढ़ने जाती हूँ, परीलोक की परियां मुझे रोज पढ़ाती है। क्या कहा, परियों की क्लास? तभी कक्षा की सभी लड़कियां बोली, मीरा प्लीज हमें माफ कर दो, हमने जानवी की बातों में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। कोई बात नहीं, मैंने तुम सभी को माफ कर दिया। क्या हम भी तुम्हारे साथ परियों की क्लास में पढ़ने आ सकते हैं? हमें भी अच्छे नंबरों से पास होना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। कल से तुम सभी भी मेरे साथ बादलों में परियों की क्लास में पढ़ने चलना। ये सुनकर सभी लड़कियां बहुत खुश हुई। वहीं जानवी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी मीरा से माफ़ी मांगी। सब कुछ भुलाकर मीरा ने जानवी को माफ़ कर दिया और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गई। इस तरह अमीरी और गरीबी का भेदभाव भूलकर सभी लड़कियां एक साथ मिलकर परियों की क्लास में पढ़ने लगी।